हेलो दोस्तों नमस्कार संतोषी आई में आप सभी का स्वागत है आज यहां पर हम 2022 और 2023 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं आपके सी सेट में उसको कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के ठीक है जो प्री में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं इससे पहले हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग दो से दो तक सभी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है प्ले लिस्ट बना है जाके वहाँ पर देख सकते हैं जो लोग नए देखे हैं ठीक है तो चलते हैं हम बिना किसी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जो लोग नए होंगे अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक तो चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये 2022 और 23 के रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं लगभग सभी कुछ हम ले लिए हैं तो देखते हैं क्या है देखिए क्या लिखा गया है ए बी सी लिखा गया है ये इसके बाद छः लिखा गया है ई एफ जी लिखा गया है दो लिखा गया है आई जे के अब आप वीडियो पॉज करके इसके बाद खुद करिए इसके बाद मैं तो कर ही रहा हूँ चलिए तो आई होप आप कर दिए होंगे यहाँ पर देखिए कैसे ए बी सी छ हो गया तो आप ए लिखेंगे बी लिखेंगे सी लिखेंगे ठीक है एक बार जैसे यहाँ पर तुम बता दे रहा हूँ वहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ए बी सी छः कैसे होगा आप क्या करेंगे ए एक लिखेंगे बी दो लिखेंगे सी बराबर तीन लिखेंगे तो तीन दो पाँच एक छः यहाँ तो इसका छः आ रहा है जोड़ने पर लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसे भी जोड़ देंगे आपका लेकिन 210 दस नहीं आएगा इसका मतलब हमको यहाँ पर जोड़ना नहीं है क्यों जोड़ना नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर दूसरा आ ही नहीं रहा है अब यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे एक, एक लिखेंगे अब देखिए इसका मतलब गुड़ा होगा भाग तो होगा नहीं क्योंकि भाग में और भी कम हो जाएगा ऐसे ही इस टाइप के सवाल में सोचा करिए कि भाग में तो 210 सौ दस कहाँ होगा इससे तो और कम हो जाएगा गुड़ा में ही ये हो सकता है तो हम एक लिखते हैं बी का दो होता है और सी का तीन होता है बराबर कितना हो गया छः हो गया ठीक है गूढ़ा करेंगे अब इसका करते हैं देखते हैं ई का कितना होता है पाँच होता है इसका छः होता है इसका सात होता है जी का नंबर सात होता है मतलब सातवें प्लेस पे आता है अब इसका पाँच छः तीस हो गया और ये सात देखिए दो सौ दस आ गया ठीक है अब इसका देखिए आई का कितना होता है नौ होता है जे का कितना होता है दस होता है के का ग्यारह होता है तो दस नौ आई नब्बे गुड़े ग्यारह कितना हो गया आपका ग्यारह नौ निन्यानवे ठीक है नाइन नाइन जीरो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका ज़्यादा टफ नहीं आएगा इसी टाइप क्वेश्चन पूछता है अभी देखिए आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही है अब देखिए इस इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करके बताइए कैसे होगा यदि किसी कोड भाषा में यल को छः लिखा जाता है और टी को दस लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पी का कोड क्या होगा तो ये बताइए उस कोड भाषा में पी का कोड क्या होगा अच्छा क्वेश्चन है ये भी ये कैसे होगा अब देखिए यल को छः कैसे लिखा जाएगा ऐसे आप सोचेंगे जैसे अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आप पेपर में बैठे हैं तो आप लिखेंगे यल अब ये सोचेंगे कैसे ये छः हो गया तो आप क्या करेंगे यल देखेंगे यल सी यल मतलब कितना होता है यल मतलब आपका बारह होता है सी मतलब आपका तीन होता है ऐसा तो है नहीं कि बारह बटे तीन कर देंगे पहले आप ऐसे करेंगे बारह बटे तीन करेंगे क्योंकि कमी लाना है तो गुड़ा तो करेंगे नहीं तो ये तो चार हो गया और यहाँ छः आया है फिर आप क्या करेंगे सोचेंगे आप क्या करें क्या करें एक बार आप गुड़ा कर दीजिए तो इसको गुड़ा करेंगे कितना आ गया छत्तीस आ गया इसके बाद आप इसका रूट ले लीजिए क्या करेंगे रूट क्योंकि अब यही सब सोचिएगा कि अगर हम गुड़ा करने के बाद रूट ले लेते हैं तो छः आ जाता है इसके बाद हम दूसरा भी कर लेते हैं देखते हैं यहाँ टी है यहाँ ई है टी का कितना होता है बीस होता है ई का पाँच होता है फिर यहाँ गुड़ा का निशान लगा दीजिए इसके बाद सौ हो गया यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे दस हो गया हाँ देखिए दस आ गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे पी डी को लिख देंगे पी डी का कितना होता है पी का सोलह होता है डी का कितना होता है चार होता है सोलह चौका चौंसठ हो गया इसके बाद इसका जब रूट लगा देंगे तो रूट लेने जानते ही होंगे आप मैं रूट नहीं बता रहा हूँ तो चौंसठ का क्या आपने आपका ये आपका आठ हो गया ठीक है आठ होता है चौंसठ का तो आठ आठाएँ चौंसठ होता है ये देखिए आठ हो गया आंसर ठीक ऐसे तो ही आपका करना है वहाँ पर ठीक है या ऐसे ही सब टाइप सवाल आता है आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए रीजनिंग पढ़ लीजिए हिंदी पढ़ लीजिए आपका वहाँ पर लगभग सौ क्वेश्चन में से साठ से सत्तर क्वेश्चन सही हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं करना है आपको चलते देखते यहाँ पर लिखा गया है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है करें ए और बी सा भाई और बहन है सी ए का पिता है डी सी की बहन है ई e, डी की माँ है तो बी ई e से किस प्रकार से संबंधित है अब देखिए ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें कुछ आपको करना नहीं है एक बार हम पहले करते हैं क्या देखते हैं पहले यहाँ पर हम करते हैं क्या लिखा है पहले ए बी क्रमशः भाई और बहन है मतलब पहले क्या करा पहले ए लिखा गया है तो पहले हम ए लिख ही लेते हैं तो हम ए लिख देते हैं पहले ठीक है अब करें बी ए क्या है भाई है तो क्रमशः पहले इसके साथ आया ना तो ए के साथ ना तो ए भाई है तो ये जो भाई रहेगा उसके हम प्लस करेंगे और जो बहन रहेगा उसको हम जो फीमेल रहेंगे उनके हम माइनस करेंगे और बी कितने हैं बी माइनस ठीक है तो ए और भाई बहन ये हम इनके बीच ये बॉन्डिंग एक लगा देंगे ठीक है सी ए का पिता है अब देखिए ये भाई बहन हो गए तो ए का पूछ रहे हैं तो ए का पिता कौन होगा सी आज मान लीजिए आप और आपके भाई बहन हैं या आप हैं आपके भाई हैं तो आपके पिताजी कौन है सी सी के ए के पिता कौन है सी है तो पिता आप मेल होते हैं ना तो इनको प्लस लगाएंगे ठीक है ऐसे पता चलता रहेगा हम कौन फीमेल है कौन मेल है अब देखो ऐसे ही करना वहाँ पर यहाँ तक तो हो गया सी ए के पिता हैं अब लिखा गया है डी सी की बहन है अब देखिए डी सी की बहन है तो देखिए सी की बहन कौन है ये मतलब आपकी बुआ जी आपके पापा की जो सिस्टर होंगी वो आपकी बुआ ही लगेंगी ना तो इनके असी की बहन आपके ये मतलब ये डी की डी की बात कर रहा है ना तो यहाँ डी लिख दे देंगे दे। बहन के लिए हम माइनस लगा देंगे इतना हो गया अब देखिए ये कहाँ डी सी की बहन है ये तो हो गया अब देखिए यहाँ ले और ई डी की माँ हो तो ई डी की माँ हो तो कौन होगा ई हम यहाँ पर ऊपर माँ हमेशा मतलब बड़ी होंगी तो ऊपर रहेंगे जो बड़ा होगा हम ऊपर लिखते हैं इसमें ब्लड रिलेशन में जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है जो सेम जैसे भाई बहन सेम होते हैं इनका मतलब इक्वलिटी सेम होता है तो ये बराबर में लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ये यहाँ पर क्या लिखे थे ई ई ई माँ है तो ठीक है डी की माँ है अब बताइए जो ई सी की माँ होंगी तो वही डी की आपके जैसे बुआ की आप, आप आपकी बुआ जो होंगी वो आपके दादा दादी की लड़की होंगी ना और आपके वो तो पापा और पापा आपके पापा उनके जो दादा दादी होंगे उनके लड़के होंगे तो यही है अब पूछ रहे हैं बी ई से किस प्रकार का संबंध है बी का ई से किस प्रकार से संबंध है अब बताइए आप ये मान लीजिए आप फीमेल हैं ठीक है फीमेल की बात कर रहे हैं आप फीमेल हैं आप अपनी दादी को क्या कहेंगे मतलब आप क्या हैं अपनी दादी के लिए बी ई -E से क्या संबंध है तो बी का संबंध में बी को हम जो आगे रहता है बी ई -E से तो बी ई -E से बी क्या ई e को बताएगी पोती ही बताएगी ना कि आप, आप ग्रैंड डाटर आपके पापा की मम्मी आप आप क्या लगेंगे तो मम्मी वो जो दादी होंगी आपको पोती बुलाती होंगी ना कि मेरी पोती ठीक है तो ये देखिए पोती हो गई कितना सिंपल कैसा ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर करना है चलते है, हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ देखिए अंक युग में समूह को चुने हुए अन्य से भिन्न यहाँ करिए तो यहाँ पर आप करिए कौन सा आपका होगा देखिए कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ आठ से पच्चीस कैसे हुआ जोड़ेंगे पहले कुछ करेंगे देखिए और बाईस से सड़सठ कैसे हुआ अट्ठारह से तिहत्तर तो पहले करिए देखिए आठ को तीन से अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आठ को तीन से हम मल्टीप्लाई कितने कितने चौबीस हो गया अब देखिए इसी के आसपास आ रहा पच्चीस के आस पास है ना चाहे एक बढ़ जाए एक घट जाए दो बढ़ जाए दो घट जाए, जाए ऐसे ही किया करिए ठीक है तो ये कितना हो गया चौबीस हो गया तो चौबीस में अगर हम एक जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा पच्चीस हो गया अब सब में यही करके देखते हैं बाईस में दो देखिए बाईस गूढ़े तीन करते हैं फिर कितना होता था बाईस यहीं छाछठ हो जाता है यहाँ भी एक जोड़ देते हैं कितना साढ़सठ आ गया अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया अट्ठारह गुड़े चार करते हैं ठीक है कितना हो गया अट्ठारह चौक बहत्तर प्लस एक ये कितना हो गया तिहत्तर हो गया ठीक है तो इसमें और ये यहाँ गया पंद्रह तियाँ करते हैं पंद्रह गुड़े तीन पंद्रह तियाँ पैंतालीस प्लस एक मतलब छियालीस हो गया तो कितना हो गया छियालीस आ गया ठीक है तो ये देखिए यहाँ भी तीन से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ भी तीन तीन से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ भी तीन से मल्टीप्लाई किए हैं लेकिन जो यही शब्द है इसको हम तीन से नहीं इसको चार से मल्टीप्लाई किए हैं तो यही आ, आपका भिन्न है बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा अब देखिए लेटर मिसिंग इन दिक्वेंस क्यू एन के ई ठीक है तो मतलब जो यहाँ पर मिस है उसको बताना है यहाँ पर क्या आपका होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर क्यू कितना होता पहले जैसे अब जब आपको ये मिले पेपर में ना तो इसका नंबरिंग करिए ये किस पे आता है तो पहले क्यू सत्रह पे आता है यन चौदह पे आता है केप किस में आता है ग्यारह पे आता है ई कितने पे आता है पाँच पे आता है अब देखिए अगर हम यहाँ से चलते हैं ठीक है इधर से चलते हैं पीछे से चलिए आप पाँच से कितना आ गया अभी नहीं हमको पता है लेकिन पाँच से यहाँ नहीं पता है तो अगर यहाँ फिर यहाँ से अगर देखते हैं ये ग्यारह से पहले देखिए अभी कुछ नहीं आपको पता है ग्यारह से तीन ग्यारह में तीन जोड़ेंगे कितना होगा ग्यारह में तीन जोड़ेंगे चौदह होगा तो प्लस तीन कर दीजिए चौदह में तीन जोड़ेंगे तो सत्रह हो गया अभी देखिए हमको पता चल गया ना अब एक बार हम यहाँ तीन लिख के देखते हैं तीन ठीक है तीन लिख के देखते हैं तो पाँच में ए, ये हाँ पाँच में आपका क्या जोड़ेंगे आपका ये तीन हाँ तीन सॉरी यहाँ तीन नहीं होगा यहाँ तीन लिखते हैं यहाँ पर ठीक है पाँच में अगर तीन जोड़ते हैं तो आठ होता है यहाँ पर यहाँ आठ होता है ठीक है तो यहाँ पर जब पाँच में तीन जोड़ेंगे तो आठ होता है हाँ हो गया फिर आठ में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो गया ग्यारह हो गया अब देखिए हमारा ऐसे चला गया तो आठ पे कौन होता है यहाँ तो सब लिखा गया आठ पे यच होता है तो यच लिख दीजिए ऐसे तो कुछ मतलब करिएगा अगर इधर से ना करने का मन करे तो इधर से करिए माइनस तीन करिए फिर इधर के माइनस तीन करिए फिर इधर माइनस तीन करिए फिर इधर माइनस तीन करिए ऐसे कर दीजिए ठीक है लेकिन ऐसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आप हमेशा सब कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे आसानी रहेगी तभी हमने इसको बताया चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्या है ये यहां पे एक कक्षा अच्छा में इकतीस छात्र रहे करें एक कक्षा अच्छा में इकतीस छात्र हैं तो ये मान लीजिए आपके पूरा एक कक्षा अच्छा है एक बॉटम और अपर का है ना तो ये इकतीस छात्र हैं यहाँ पर पूरा टोटल तो थर्टी फर्स्ट यहाँ नीचे आएगा एकदम कह रहे हैं छात्रों में अनूप और सुनील क्रम का ऊपर से सात क्रम ऊपर से करे जो अनूप है ऊपर से सातवां तो अगर इधर से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो ये किस पे आ जाए थोड़ा सा जूम करते हैं देखिए जो ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ये अनूप का किस पे आता है तो अनूप आता है सातवां पे यहाँ सात लिख दीजिए बस हो गया अब कह रहे हैं दूसरा कह रहे हैं सुनील किस पे आता है ग्यारहवें पे आता है ये भी ऊपर से चल रहा है तो ये आपका ग्यारह स्थान पर आता है सुनील आपका ग्यारह स्थान पर आता है तो ये कह रहे हैं कक्षा में नीचे से क्रमशः क्रम क्या होगा अब देखिए अगर एक व्यक्ति का कर्म पता है, न, है ये कर्म एक पूरा पता है कितने जैसे एक क्लास में कितने बच्चे हैं उसमें पूरा पता है कि एक कितने बच्चे हैं और एक तरफ से पता है कितने हैं जैसे एक तरफ से आपको पता है ना जैसे ये अनूप का देख लेते हैं ये सुनील है और ये अनूप अनूप का एक तरफ से तो आपको पता है एक तरफ देखिए फार्मूला क्या होता है टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन ये तो जो इधर उधर होता है ये अपर ये कह सकते हैं ये ये बॉट अपर और प्लस बॉटम ठीक है तो माइनस वन ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं तो या एल प्लस आर एक ही फार्मूला याद करिए उसमें सभी आप अप्लाई कर दीजिएगा तो टी प्ल बराबर एल प्लस आर होता है तो अब देखिए हमको टी कितना पता है इकतीस पूरे हैं टी मतलब टोटल टोटल कितने हैं इकतीस हैं लिख दीजिए यल कितने हैं तो यल कितने है? अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एक साइड का बताइए चाहे यल की के स्थान पर इसका नंबर लिख दीजिए चाहे आर के स्थान पर उससे अच्छा कोई टेंशन नहीं है तो यहाँ सात लिख दीजिए आर यहाँ लिख दीजिए माइनस एक तो इसको करेंगे कितना ये माइनस एक इधर जाएगा कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा सात प्लस आर हो जाएगा तो बत्तीस में से सात गया कितना हो जाएगा बत्तीस में से सात गया तो कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा ठीक है यहाँ पच्चीस हो गया तो यहाँ कहीं पच्चीस है ये देखिए पच्चीस है आपका ठीक है ये पच्चीस है पच्चीसों अब यही ऐसे ही इसका भी कर लीजिए जो ग्यारह नंबर का इसका भी टोटल कितने लड़के हैं टोटल आपके कितने हैं इकतीस लड़के हैं बच्चे हैं इकतीस बच्चे हैं अब देखिए यहाँ पर एक पता नहीं है आपको एक ही पता है तो यहाँ ग्यारह कर दीजिए इसका इसके एक बार पर, एक नहीं पता है माइनस वन कर दीजिए ठीक है यही आप फार्मूला याद करिएगा ठीक है इसी में अप्लाई इसी टाइप के इसी फार्मूले पर सवाल बार बार आता है अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बत्तीस माइनस ग्यारह तो बत्तीस माइनस ग्यारह करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर इक्कीस हो गया आपका तो ये पच्चीस और इक्कीस यही फार्मूला है क्योंकि एक अगर एक बच्चे का एक पता है कि एक मतलब ऊपर से सातवां है और टोटल भी दिया गया है तो आपको क्या एक ही तो वेरिएबल यहाँ पर बचा तो एक ही निकाल लेंगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अच्छा ये तो आपका उसका क्वेश्चन है ठीक है आ गया इसी में शायद तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रियोजों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो ये आपका उसका क्वेश्चन है ठीक है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का तो एनाग्राम एनाग्राम्स का यूज नहीं किया जाता ठीक है तो एनाग्राम्स क्या होता है कोई चीज़ मतलब ऐसे से रखा गया है उसको सही से में रखना यही होता है एनाग्राम्स यही इसका आंसर होगा ठीक ठीक है मतलब मैं बता दिया इसका क्योंकि इसको पिछले भी बार भी आया अभी हम देखिए तेईस का नहीं पढ़ाए हैं लेकिन देखिए तेईस का क्वेश्चन अभी मिल गया है आपको पता होगा कि जब जो बच्चे किए होंगे क्लास पूरा उनको पता होगा चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके बताइए क्या होगा दो तीन चार छ छः नौ ये तो इसमें क्या होगा जब देखिए hm. पहले किस पहले पहले वहाँ पर आप क्या देखेंगे दो से तीन में जाएंगे तो एक बढ़ गया तीन से चार में जाएंगे फिर एक बढ़ा है फिर चार से यहाँ दो बढ़ गया फिर यहाँ जीरो बढ़ गया कोई मतलब नहीं बन रहा है फिर आप एक अल्टरनेटिव करिए तो दो से किस में जाएंगे दो से आपका चार में जाएंगे तो दो से चार में प्लस दो बढ़ गया फिर यहाँ देखिए फिर चार से छ बढ़ेंगे दो जाएंगे फिर दो बढ़ गया फिर छः से आठ में जाएंगे फिर दो बढ़ गया आपका फिर आठ से दस में जाएंगे प्लस दो बढ़ गया तो देखिए ये तो अभी हमें पैटर्न मिल रहा है अब ये ये जो दूसरे नंबर पे है इसको देखते हैं तीन से छः में जाएंगे प्लस तीन बढ़ गया छः से नौ में जाएंगे प्लस तीन बढ़ गया नौ से बारह में जाएंगे प्लस तीन बढ़ गया फिर बारह से इसमें जाएंगे तो फिर आपका प्लस तीन बढ़ेगा तो बारह से इसमें इधर जाएंगे कितना हो जाएगा बारह से तीन पंद्रह हो जाएगा ठीक है बारह से तीन पंद्रह हो जाएगा और इधर आपका कौन सा बढ़ रहा था दस दस से फिर दो बढ़ेगा तो दस से दो कितना बढ़ जाएगा बारह बढ़ जाएगा ठीक है दस से दो बारह विलुप्त तो संख्या ज्ञात करना है बारह बढ़ गया ये देखिए बारह तो यहाँ दिया ही गया है ठीक है फिर यहाँ से पंद्रह से तीन और बढ़ाएंगे तो अट्ठारह हो गया है ठीक है ये दस से बारह हो गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए पंद्रह ही होना चाहिए ना तो पंद्रह लगा दीजिए बस ऐसे ही करना है आपको चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये भी कोई देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है तो बताइए कौन सा प्रयोग नहीं अच्छा वही क्वेश्चन बार बार देखिए आ गया है थोड़ा सा हाँ ठीक है सॉरी मतलब वही मतलब जो आपका पेस्ट कर रहा है तो डबल बार पेस्ट हुआ है ठीक है अब देखिए यहाँ ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वीडियो पॉज करके करिए देखिए आप मतलब इसको किस प्रकार से आप करते हैं इसके बाद मैं तो करता ही कर ही रहा हूँ अब देखिए चार को सत्रह से कैसे करेंगे चार को सत्रह से तो चार को चार का वर्ग करेंगे ठीक है पहले क्योंकि हम चार को गुड़ा करते हैं मान लीजिए ठीक है चार को किसी में हुआ चार चौक सोलह हो गया तो सात चौक अट्ठाईस होना चाहिए अट्ठाईस के आसपास भी यहाँ कुछ नहीं है तब तो हम वर्ग पे ही आएंगे ठीक है वहाँ पर वर्ग घटाना बढ़ाना जोड़ना घटाना सब कुछ अप्लाई करिएगा वहाँ पर आपके पास काफ़ी समय होगा और देखिए चार का वर्ग इसके बाद सत्रह है ये सात है इसके बाद यहाँ क्या होगा ये तो चार का वर्ग सोलह हो जाएगा प्लस एक जोड़ेंगे सत्रह हो जाएगा ये क्या सात का वर्ग हो जाएगा उनचास हो जाएगा एक जोड़ेंगे पचास हो जाएगा ठीक है तो ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में ये वाला बताइए अच्छा क्वेश्चन है ये भी वीडियो पॉज करके इसको भी करिए कौन सा इसमें आपका सही होगा वन जीरो फाइव एट सेवनटीन तेईस में यही क्वेश्चन आया था मतलब सभी क्वेश्चन तेईस में आए हैं तो बताइए अब देखिए यहाँ पर वन है जीरो है फाइव है इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग ही करना पड़ेगा क्योंकि देखिए जाते जाते ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ठीक है तो एक का पहले क्या करेंगे हम जीरो का वर्ग करेंगे एक लाना है हमको तो जीरो का वर्ग करेंगे फिर एक का वर्ग एक जोड़ देंगे फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे फिर एक का वर्ग कर जीरो का वर्ग हो गया फिर अभी एक का शुरुआत करते हैं एक का वर्ग कर दिए फिर इसके बाद प्लस एक किए हैं फिर माइनस एक कर देंगे ठीक है माइनस एक कर दिए फिर क्या है जीरो का वर्ग एक का वर्ग फिर किसका दो का वर्ग अब देखिए प्लस वन किए हैं फिर वो माइनस वन किए हैं प्लस वन कर देंगे फिर आपका क्या होगा तीन का वर्ग करेंगे तीन का वर्ग करेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे माइ प्लस वन है ना इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे माइनस वन करेंगे ठीक है क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है यहाँ देखिए प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो रहा है मतलब इस टाइप के सवाल मेरा कहने का मतलब रटिए मत ये सवाल समझिए इस टाइप के कि इस टाइप के सवाल आ सकते हैं तो यहाँ कितना हो गया एक हो गया यहाँ देखिए वन वन जीरो हो गया यहाँ पर पाँच हो गया यहाँ पर तीन तरीका नौ माइनस एक आठ हो गया यहाँ सत्रह अब देखिए सत्रह कैसे करेंगे चार का वर्ग माइनस है तो प्लस एक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा आपकी बार माइनस चलेगा ठीक है तो फिर फिर चार पाँच का वर्ग पाँच का वर्ग माइनस एक करेंगे तो पचों में पच्चीस हो जाएगा माइनस एक बराबर चौबीस हो जाएगा अब फिर प्लस करेंगे अब माइनस हो गया ना प्लस में छः का वर्ग प्लस एक कितना हो जाएगा छत्तीस प्लस एक बराबर सैंतीस हो जाएगा थोड़ा सा वहाँ पर ये सब सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं मुझे मैं तो यहाँ बता दे रहा हूँ यहाँ सिंपल ही लग रहा होगा लेकिन हम भी बता दे रहे हैं आपको सिंपल लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा मेरा ये कहने का मतलब है ना इतना भी सिंपल नहीं है क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा अगर सोच लेंगे तो सिंपल हो जाएगा अब देखिए जो संबंध छः तथा सोलह का है वही संबंध देखिए ये इनका कहने का मतलब है ये ऐसे नहीं लिखा है ये मतलब ये लिखे नहीं है ऐसे ठीक है ये बारह का किससे संबंध होगा तो यहाँ पर क्या होगा ये इनका ये कहने का मतलब है तो ये एक बार खुद से करिए कि छः को हम क्या करें गुड़ा करें कि भाग करें कि सोलह आ जाए तो छः को अगर हम गूड़ा करते हैं बारह तो चार जोड़ते हैं तो हो रहा है तो यहाँ पर मतलब छः को दो बारह को दो से अगर गुड़ा करेंगे बाद उन्होंने चौबीस चौबीस चार अट्ठाईस अट्ठाईस तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है ठीक है तो मतलब चार वाला होगा नहीं अब छः को तीन से गुड़ा करते हैं ठीक है ठीक है तो ये मतलब दो वाला होगा नहीं अब तीन से गुड़ा करते हैं तो तो छिक अट्ठारह हो गया अट्ठारह के आसपास हो रहा है फिर एक बार घटा देते हैं इसको भी फिर घटा के देख लेंगे यहाँ पर देखते हैं बारह गुड़े दो कर देते हैं तीन कर देते हैं बारह तीन छत्तीस हो गया फिर यहाँ भी घटा देंगे दो तो छत्तीस में से दो गया चौंतीस हो गया तो यहाँ पर चौंतीस आ गया है शायद हाँ आया है आए तो है यहाँ चौबीस देखिए देख ही नहीं रहा था अच्छा चौबीस आ गया चौंतीस आ गया है ठीक है तो यहाँ पर चौंतीस आ गया है आपका ठीक है तो चलते हैं ऐसे ही करना है आपका थोड़ा सा मतलब गुड़ा भाग स्क्वायर ये सब करिएगा ठीक इसमें चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए एक घड़ी जो दोपहर को दो बजे तीन मिनट पीछे थी दोपहर को दो बज रविवार को का दिन था जैसे मान लीजिए आज कौन सा दिन है मान लीजिए आज रविवार है बुधवार मत मानिए आज रविवार मानिए ठीक है, है? मतलब ये ठीक है तो ये आज कौन सा दिन है रविवार है तो आज रविवार है तो आज कित कौन सा दिन है दोपहर का दो बज रहा है ये है दोपहर का दो तो यहाँ पर दो लगा दीजिए दो ठीक है दोपहर दो हो गया अब ये क्या कर, कहना चाह रहे हैं कि तीन मिनट पीछे था दोपहर को दो बजे तीन मिनट पीछे था और कह रहे हैं मंगलवार को दोपहर दो बजे पाँच मिनट आगे था मतलब कितना घंटा बिता तो चौबीस आपका चौबीस और चौबीस अड़तालीस घंटा हो गया ना तो जैसे मतलब रविवार से मंगलवार के बीच कितना हो गया दो दिन का अंतर है ना सोमवार मंगलवार तो मतलब चौबीस घंटा कितना हो गया चौबीस इधर और चौबीस इधर अड़तालीस घंटा पूरा हुआ ना तो अड़तालीस घंटे में ठीक है कैसे आप याद देखिए रविवार से दोपहर मतलब रविवार से दो, दो बजे से कितने चलेंगे तो सोमवार को दो बजे तक चलेंगे दोपहर को तो चौबीस घंटा यहाँ हो गया तो फिर सोमवार को दोपहर से मंगलवार को दोपहर दो, दो बजे चौबीस घंटा यहाँ हो गया तो अड़तालीस घंटा नहीं हो गया तो अड़तालीस घंटे में यहाँ लिख देते हैं अड़तालीस घंटे में कितना मतलब अड़तालीस घंटा समय हो गया अब अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाँच मिनट आगे हो गया पहले देखिए पहले इसको कैसे बनाएंगे ये मालिक यहाँ जीरो लिखिए ठीक है।, है ध्यान से देखिएगा अभी पूरा ये सवाल समझ में आ जाएगा यहाँ पर वन लिखिए दो लिखिए तीन लिखिए चार पाँच यहाँ माइनस वन माइनस दो माइनस तीन रविवार को कौन सा किस पे सुई थी इस पे सुई थी ठीक है यहाँ पर रविवार को सुई थी अब इसके बाद करें यहाँ रविवार को सुई थी अब कह रहे हैं कि मंगलवार को पाँच मिनट आगे हो गई मतलब रविवार को, को माइनस तीन पे चल रहा था तीन मिनट पीछे था ना पीछे मतलब माइनस अब कह रहे हैं तो मंगलवार को पाँच मिनट आगे हो गया तो मंगलवार को पाँच मिनट आगे हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर पहुँच जाएगा सुई तो जो यहाँ सुई थी ये यहाँ पर पहुँच गई तो कितने अंक का छलांग लगे थे तीन इधर पाँच इधर कितना आठ अंग का मतलब आठ अंतर आठ मिनट का अंतर है चाहे माइनस में हो चाहे पॉजिटिव में हो ठीक है लेकिन आठ मिनट तो ये अपने वहाँ तक आने के लिए जैसे आप आपका नंबर माइनस में आ रहा है आपको दस नंबर लाना है माइनस पाँच आ रहा है तो पाँच भी तो आपको क्लियर करना पड़ेगा माइनस पाँच इसके बाद तो जीरो से एक से चलेंगे तो वही है तो यहाँ पर पाँच और तीन आठ मतलब ती, आठ समय जो है अंतर है तो 48 घंटा में कितना है तो आठ मिनट मिनट 48 घंटे में आगे होता है ठीक है आठ मिनट का अंतर 48 घंटे में होता है 48 आवर में अब पूछे तीन मिनट का पूछे अगर पूछ ले तो तीन मिनट का अब का हम आप सोच रहे होंगे तीन ही मिनट क्यों कह रहे हैं इस घड़ी के ठीक समय कब दिखाएगा मतलब इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया ठीक समय मतलब क्या कब ये जीरो पे आया यहाँ पर आया जब यहाँ पे आएगा तभी तो तो जब यहाँ से माइनस तीन ऊपर चलेगा तभी तो यहाँ पर आएगा तो तीन ही चला है तीन ही चलेगा तो तीन मिनट पूछ रहा है तीन मिनट में क्या होगा तो अड़तालीस बटे आठ जो ये होता है ये नीचे आ जाता है ये यहाँ हो जाता है तीन तो ये काटिए तो आठ छः का अड़तालीस ये कितना हो गया अट्ठारह हावर्स ठीक अट्ठारह हावर्स अब वही याद रखिए दोपहर रविवार को दो बजे था दो बजे रविवार था इसमें अट्ठारह हावर और जोड़ दीजिए ठीक है तो कितना हो जाएगा रविवार को दोपहर को दो, दो बजे था तो रविवार का जब मान लीजिए दोपहर दो, दो बजे था फिर अट्ठारह घंटे और जोड़ेंगे उसमें दोपहर में तो कितना हो जाएगा तो सुबह जाके आपका कितना हो जाएगा सुबह आठ बजेगा कि नहीं तो आठ बजेगा सुबह कैसे अभी जैसे मान लीजिए दोपहर को दो बज रहा है फिर दोपहर को दो बजेगा फिर रात में जब दो बजेगा तो बारह घंटा हो जाएगा तो बारह छः घंटे और जोड़िए तो दो में अगर छः और जोड़ेंगे तो आठ नहीं बजेगा सोमवार को सोमवार को सुबह तो वही सोमवार को सुबह आठ बजेगा तो मंडे आठ बजेगा सुबह देखिए एक बार फिर देख लीजिएगा ठीक है इसको वीडियो को मतलब ये इस क्वेश्चन को रिपीट करके समझ में आ जाएगा कैसे इसको पूछा है कैसे लगाना है इस सवाल को ठीक है चलते हैं देखते हैं अब देखिए यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन नहीं है आपका ये देखिए हमने क्वेश्चन लिखने का प्रयास किया है सही लिखे हैं सब सिर्फ मतलब हैंड रिटिंग में लिख उठा है और ये अभी देखिए हम इसको कैस किस प्रकार से बताते हैं यहाँ कर रहे हैं सभी बालक सत्यवादी हैं तो बालक क्या हुए सभी सत्यवादी हैं तो आल बॉयज ठीक है तो आल बॉयज सत्यवादी हैं कमल बालक है तो याद रखिएगा कमल पहले ये लिखिए दूसरा वाला देखिए जो कमल है ये कमल की हम बना रहे हैं ये आपका कमल है ये कमल लिख देते हैं ठीक है? जो कमल है थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये कमल है हैं कमल जो है वो बॉयज है तो ये बॉयज लिख देते हैं कमल बॉयज है कमल मतलब लड़का है अब करें सभी बालक सत्यवादी हैं तो सभी जो बालक हैं ये सत्यवादी हैं तो ऐसे बना दीजिए ये क्या है ये सत्यवादी सत्यवादी तो ये कौन कैसे बना है आपका जो कमल बालक है इसको हमने पहले बनाया है क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद ये पहले बनना चाहिए कि कमल क्या है वो लड़का है कमल बालक है और क्या है सभी बालक जो सभी बालक हैं वो सत्यवादी हैं अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि कमल सत्यवादी है जो कह रहे हैं कमल जो है आपका वो आपका सत्यवादी है पहला निष्कर्ष कह रहा है तो हाँ ये तो सही ही है क्योंकि देखिये ये कमल ना इसमें करें कमल सत्यवादी है तो ये जो कमल है अभी आप कह रहे हैं कि जैसे मैं कहूँ कि आपका गांव मतलब आपका घर गांव में है तो जैसे जैसे ये आपका घर है और पूरा ये गांव है तो वही तो ये कह रहा है कि कमल जो है वो सत्यवादी है मतलब आपका घर कहाँ पर है घर आपका गांव में है अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ घर गांव में है गांव में है तो आप इसको तो समझ जाएंगे कि हाँ तो वैसे यहाँ भी लिखा घर गांव में है तो ये तो सही है आपका जो घर है वो पूरा जो बड़ा सा गांव है इसमें है तो वही तो कहना चाह रहा है तो ये तो आपका सही हो जाएगा करें सभी सत्यवादी बालक हैं करें सभी जो सत्यवादी हैं वो बालक हैं अब देखिए सत्यवादी इतने पूरे हैं जितना मैं गोला ये कर रहा हूँ ये पूरा सत्यवादी है और लड़के कितने हैं सिर्फ इतने ही लड़के हैं इतने ही लड़के हैं ना ये इतना जीतना है तो ये वाले कहाँ चले गए ये वाले भी कुछ होना चाहिए लेकिन इसमें कह कहें सभी लोग हैं सत्यवादी बालक सभी सत्यवादी बालक कैसे सत्यवादी सिर्फ इतने तो सत्यवादी हैं तो आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा केवल वन वाला करेक्ट हो जाएगा बस ठीक है तो यही आपका सही हो जाएगा ठीक है देखिए इसी प्रकार से करें अभी एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा जो जैसे ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन में देखिए अगर आपका जो लीप ईयर है लीप ईयर यन तो जो लीप ईयर यन होगा वो अट्ठा यन मतलब हम लीप ईयर करें हैं अट्ठाईस साल बाद आपका सेम होता है ठीक अट्ठाईस साल बाद अगर कोई लीप ईयर यन है उसमें एक जोड़ देते हैं तो वो छः साल बाद आपका सेम हो जाता है ठीक है रिवाइज होता हो जाता है ठीक है अगर कोई लीप ईयर है उसमें दो जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है ग्यारह साल बाद आपका वो सेम हो जाता है अभी इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कोई लीप ईयर है उसमें तीन जोड़ देते हैं तो ये भी ग्यारह साल बाद आपका यह? सेम हो जाएगा अब जैसे इसका होता है दो हज़ार नौ पूछ रहा है तो दो हज़ार नौ आप कह रहे हैं यहाँ तो लीप ईयर है ही नहीं है तो लीप ईयर नौ तो नहीं है लेकिन क्या हुआ आपका दो हज़ार आठ तो लीप ईयर है तो दो हज़ार आठ लिख दीजिए ठीक है अब इसमें कह रहे हैं एक और जोड़ देते हैं तो एक और जोड़ देते हैं फिर छः साल बाद सेम हो जाएगा तो दो हजार आठ और एक कितना हो गया नौ हो गया ठीक है तो ये आपका दो हज़ार नौ हो गया अब आप सोचेंगे पहले ही क्यों नहीं लेकिन लिखने का ये तरीका नहीं तो सब में थोड़ी अप्लाई हो जाएगा तो ये दो हो गया अब इसमें कितना जोड़ना है छः जोड़ना है छः साल बाद सेम होगा ना तो छः और जोड़ दीजिए तो पंद्रह हो गया तो ये दो हज़ार पंद्रह में आपका सेम हो जाएगा ऐसे ही करना है आपका ठीक है कोई भी क्वेश्चन करना है आपको इसी प्रकार से करना है ठीक है तो देखिए हम लीप ईयर यहाँ आठ नौ नहीं लिखे अब नहीं तो आप यहाँ नौ लिख देते फिर एक जोड़ते तो कितना नौ थोड़ी आपका ईयर है दो हजार आठ ही तो लीप है यहाँ पर तो यही है ठीक है तो आपका 2015 हज़ार पंद्रह ऐसे इसको इत, याद रख लीजिएगा इतना ठीक है कि मतलब कोई भी अगर अप्लाई करिएगा तो यहाँ लीप ईयर रखिएगा फिर वो 28 साल बाद यहाँ लीप ईयर रखिएगा फिर एक जोड़ के वो छः साल बाद होगा सेम यहाँ लीप ईयर रखिएगा फिर दो जोड़िएगा फिर वो 11 साल बाद सेम हो जाएगा यहाँ लीप ईयर रखिएगा तीन जोड़िएगा फिर ग्यारह साल बाद सेम हो जाएगा ठीक है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको दिए गए विषम चुनिए बताइए इसमें कौन सा आपका विषम है अच्छा क्वेश्चन ये भी है इसमें मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा मतलब जैसे पेपर में बैठे हैं थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए आप, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा देखिए वीडियो पॉज करके खुद ही करिएगा पहले देखिए क्या आप चलते हम बताते ही आपको देखिए ए को अगर जड से जोड़ेंगे ए को जड से जोड़िए इसको इसको जोड़िए ठीक है और इसको इसको जोड़िए तो जड कितना होता है छब्बीस होता है ये एक होता है तो ये आपका सत्ताईस हो गया ये हो गया यक्स का कितना होता है तो यक्स का आपका चौबीस होता है इसके बाद सी का तीन होता है तो ये भी सत्ताइस हो गया तो ऐसे आपका ये लास्ट वाला दो जोड़िए ये भी दो जोड़िए सब कुछ आपका आ जाएगा सिर्फ किस में नहीं आएगा आपका आपका इसमें नहीं आएगा अब सबको जोड़ दीजिए सब में आ जाएगा सिर्फ इसी में नहीं, नहीं आएगा जोड़ के देख लीजिएगा लास्ट वाला जोड़िए बीच वाला लास्ट वाला जोड़िए और बीच वाला जोड़ेंगे ठीक है आना चाहिए सेम ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं अब देखिए यहाँ पर इस इसका हम थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बता देते हैं अब देखिए यहाँ लिखा गया कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं तो यहाँ लिखिए पहले कुछ चूहे ये वाला चूहे है कुछ कह रहा है ना तो आधा आधा वाला बनेगा तो कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं ऐसे लगा दीजिए ये क्या है आपका रेड ठीक है और ये आपका ये कैट ठीक है तो ये कुछ चूहे बिल्लियां हैं तो ये आपका कुछ चूहे बिल्लियां हो गए कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं तो ये आपका ये आपका इधर हो गया ये आपका ये आपका डॉग हो गया अब देखिए यहाँ पर कोई कुत्ता गाय नहीं है तो ये यहाँ पर ये बना दीजिए और ये यहाँ पर निशान लगा दीजिए ठीक है ये ये क्रास कर दीजिएगा कि मतलब कोई गाय नहीं है यहाँ गाय लिख दीजिए काऊ ठीक है अब देखिए यही है यहाँ मतलब गाय कभी काउ डॉग पे नहीं आ सकता है कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि नहीं है नहीं शब्द आ गया ना तो ये क्रास शब्द आ गया अब कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है कोई गाय बिल्ली नहीं है अब कह रहे हैं कोई गाय बिल्ली नहीं अच्छा बताइए यहाँ से लिखा गया कोई कुत्ता गाय नहीं है लेकिन गाय और बिल्ली का कोई संबंध दिया गया है अच्छा ये बताइए हम तो ये गोल सा बनाए हैं ये ये तो ऐसे भी तो जा सकता है ये जाके ऐसे भी तो बन सकता है क्या हमको मतलब इसमें कहीं लिखा गया है कि जब डायग्राम बनाइएगा कि तो गोला ही बनाइएगा ऐसे नहीं बना सकते ऐसे नहीं बना सकते तो कुछ तो कैट आपका गाय तो हो ही जाएंगी मतलब वो वैसे मत समझिए कैट गाय होती है मतलब रीजनिंग में ये गाय तो कैट तो मतलब गाय और कैट तो हो ही जाएंगे तो है ही है कोई गाय बिल्ली नहीं है तो तो गलत ही है ऐसे तो हो ही सकता है ये मतलब ये डायग्राम अगर हम बना रहे हैं तो ऐसे तो बना सकते हैं ये हो गया कोई कुत्ता चूहा नहीं है अब देखिए कहें ये इसका कोई संबंध नहीं है ये ऐसे नहीं बन सकता ऐसे जाके ऐसे ऐसे नहीं बन सकता ऐसे भी बन सकता है ना और ना ऊपर दिया ही गया है कहीं कुछ मान लो अगर उसको नहीं आप ध्यान पा रहे हैं तो ऐसे भी तो देख सकते हैं कि ये तो ऐसे भी बन सकता है तो ये भी ये भी गलत हो गया कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं तो देखिए कुछ बिल्लियाँ ये तो कैट वाला है तो देखिए कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं ये देखिए इतना तो अँ है तो कौन सा सिर्फ तीन वाला आपका निष्कर्ष सही है तीन वाला कहीं है केवल तीन फॉलो करता है ठीक इसको इसी टाइप का करिएगा ठीक है गाय के लिए इसका दुश्मनी है ना कि इसके लिए कैट के लिए ना कि रेड के लिए दुश्मनी है ठीक है गाय की तो याद रखिएगा यही वाला क्वेश्चन होगा चलते हैं नहीं देखते हैं आठ इक्यासी सत्ताईस दो सौ छप्पन किस प्रकार से संबंधित हैं तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बताइए कौन सा आपका सही होगा तो आठ का ये से मतलब कैसे ही बना तो आठ का क्या होगा दो का पावर तीन ठीक है और यहाँ पर तीन का पावर चार हो जाएगा ठीक है तो दो, दो का पावर तीन और तीन का पावर एक तो ये आपका कितना एक हो गया ठीक है अब सत्ताईस दो सौ छप्पन क्या हो गया तो सत्ताईस को तीन का पावर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा फिर एक और जोड़ क्योंकि यहाँ पर एक प्लस होगा ना तब तीन हुआ है फिर प्लस यहाँ एक करेंगे फिर चार का पावर कितना हो जाएगा चार ही तो करेंगे क्योंकि यहाँ चार एक पावर भी बढ़ जा रहा है मतलब ये गिनती तो बढ़ ही रही है ये पावर भी एक बढ़ रहा है तो चार का पावर चार हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जिस प्रकार चौंसठ संबंधित है तो चौसठ का क्या हो जाएगा चौसठ का हो जाएगा है कितना चार है। चार का पावर कितना हो जाएगा तीन फिर एक अब बढ़ाइए यहाँ पर एक पाँच बढ़ गया यहाँ तो पाँच हो गया आपका अब देखिए तीन का पावर है तो फिर एक और बढ़ाइए तो पाँच के बावज चार करेंगे कितना हो जाएगा छः सौ पच्चीस पाँच को चार बार गुड़ा करिए पाँच गुड़े, पाँच गुड़े, पाँच गुड़े, पाँच पच्चीस गुड़े, पच्चीस गुड़े तो ये कितना होगा छः सौ पच्चीस देखिए इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है ठीक है अब देखिए राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ पचास मीटर चलती है फिर बाएं मुड़कर बीस मीटर चलती है उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर तीस मीटर चलती है वह अपने घर की तरफ मतलब किस घर से किस तरफ जा रही है तो इसको देखिए ये भी सिंपल सवाल है देखिए इस टाइप के सवाल में जब इस टाइप का सवाल करिएगा तो कैसे करिएगा पहले आप ऐसे बना लिया करिए ठीक है ऐसे ठीक है अब इसके बाद लिख दिया करिए यहाँ उत्तर हो गया यहाँ दक्षिण हो गया यहाँ पश्चिम हो गया यहाँ पूरब हो गया ठीक है अब देखिए ऐसे हमेशा बना लिया करिए अब जो कह रहा है वही कर लिए राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ पचास मीटर चलती है तो दक्षिण की तरफ ना ये यहाँ से पचास मीटर आइए यहाँ मान लीजिए ये पचास मीटर चल चुकी राधिका ठीक है कल उसके बाद वह उत, उसके बाद फिर बा, बाएँ मुड़कर 20 बीस मीटर जब ऐसे आ रही है तो बाया कौन है एक बार खुद अपने आप वैसे हुई है देखिए तो बाया कौन हो जाएगा तो बायां आपका यही तो हो जाएगा इधरी वाला तो ये बायां कि, कितना मीटर चली बीस मीटर चल देगी फिर इसके बाद उत्तर की ओर उत्तर देखिए ऊपर है तो ऊपर ले जाइए उत्तर की ओर ठीक है तो ये उत्तर की ओर क्या कितना तीस मीटर क्योंकि पचास पूरा यहाँ तक है तो ये अब देखिए यहाँ वहाँ से वह अपने घर की तरफ जब तीस मीटर यहाँ मतलब चल दे तो ये सोचिए आप चलते हैं घर तो घर चलने के लिए घर तो इसका यहाँ पे है घर चलने के लिए क्या करेगी ऐसे जाएगी इधर तो यहाँ पर चली गई तो ये किस तरफ जा रही है ये कितने ये पश्चिम है ना तो ये पश्चिम किस तरफ जा रही है ये उत्तर है ना तो ये उत्तर की तरफ जा रही है तो उत्तर पश्चिम कहीं पे है देखिए उत्तर पश्चिम है तो यहाँ लगा दीजिए ऐसे ही करना है आपको यहाँ पर ये यह देखिए एंड कॉफ एफ पी आई जे क्यू एम इसको मैं मतलब वो आपका मेथड बता देता हूँ इसके बाद आप तो फिर करिएगा क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा ठीक है तो ये मतलब इसका क्या है देखिए क्या है ए को सी के कितना दो जोड़ेंगे फिर सी को एफ का कितना जोड़ेंगे तीन मतलब सी तीन होता है होता है अब यफ को जे में जोड़ेंगे तो यफ कितना छः होता है ये कितना होता है चार होता है जे को फिर कितना जोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे क्योंकि तीन चार फिर पांच आ जाएगा जोड़ेंगे तो पांच जोड़ेंगे तो जे में पांच जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तो जे में पाँच जोड़ेंगे तो पंद्रह आ जाएगा तो मतलब ओ आ जाएगा तो ओ ही आ जाएगा फिर वैसे यहाँ भी है यन को फिर इसमें यन को इसमें एक जोड़ेंगे तो यन आ, ओ तो एन के बाद ओ आता है तो एक ही जोड़े एन ओ ओ ओ ओ के बाद पी होता है प्लस एक फिर पी के बाद क्यू होता है प्लस एक क्यू के बाद आर होता है ओ आर ठीक है अभी भी नहीं मिला डी के बाद फिर डी का जोड़ेंगे तो फिर ऐसे जोड़िए तो ठीक है डी के बाद कितना डी के बाद एफ कितना आया तो चार दो छः होता है ना फिर यहाँ फिर तीन जोड़िए फिर तीन वाला वही पैटर्न आ गया फिर कितना पाँच जोड़ेंगे फिर एम के बाद पाँच जोड़ेंगे तो कितना होगा पंद्रह तीन पाँच कितना हो जाएगा ये कितना एम तेरह है ना तो तेरह पाँच अट्ठारह हो जाएगा तो फिर आर हो जाएगा तो ओ आर आर पहले जब अगला आने वाला आगे वाला अक्षर होगा तो दो तीन चार पाँच ऐसे जोड़िए बीच वाले में एक एक जोड़िए और लास्ट वाले में भी फिर दो तीन चार पाँच ऐसे जोड़िए ये वाला क्वेश्चन बताइए ये भी सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा आपका सही होगा तो लिखा गया आई बराबर नौ ये आई बराबर यहाँ अट्ठारह लिखा गया है तो आई बराबर अट्ठारह कैसे हो जाएगा आई बराबर अट्ठारह की तो कोई इसको नौ गुड़े दो बराबर अट्ठारह यम बराबर कि तेरह होता है यम बराबर तो यम बराबर तेरह गुड़े दो बराबर छब्बीस हो जाएगा ठीक है इसके बाद कम लिखा गया है कम को कैसे लिखेंगे तो कम में लिखे कितना होता है सी का तीन होता है ये पंद्रह होता है ओ फिर यम का तेरह होता है फिर पाँच होता है सब जोड़ने पे कितना हो जाए पंद्रह अट्ठाईस आठ आठ सोलह छत्तीस हो जाएगा तो छत्तीस का गुड़े दो करिए ये बहत्तर हो जाएगा फिर गो कट देख लीजिए गो का कैसे हो गया गो का इसका सात होता है इसका आपका पंद्रह होता है सात पाँच बाईस होता है बाईस गुड़े दो से सब में कर रहे हैं तो चौवालीस हो जाएगा ये देखिए अब देखिए इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे जब इस टाइप के सवाल आ जाए तो कैसे पहले आप गिन लीजिए कितना है तो कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह अट्ठारह है जब देखिए अट्ठारह आ गया पूरा ना तो क्या करेंगे आप ये हाँ देखिए तो अब तीन तीन में डिवाइड करिए एक दो तीन ऐसे डिवाइड कर लिए एक दो तीन ऐसे भी डिवाइड कर लिए एक दो तीन ऐसे डिवाइड कर लीजिए फिर एक दो तीन ऐसे भी इसको भी एक दो तीन इसको भी डिवाइड कर लीजिए अब देखिए तीन तीन में आ गया सब ना अब देखिए तीन अब देखिए यहाँ पर वही पैटर्न बनता है जो मतलब एक रहता है वही लगभग बन जाता है ठीक है नाइन्टी परसेंट में यही होता है और हमेशा जब होता भी है तो जो यहाँ पैटर्न बनता है फिर यहाँ फिर रिपीट होता रहता है तो यहाँ पर सेम ही सब बन रहा कैसे अब देखिए यहाँ जो बनेगा जैसे यहाँ देखिए बी बी ए कहीं बी बी ए है तो देखिए बी बी इसके बाद यहाँ ए अगर हम रख देते हैं तो देखिए पैटर्न ये वाला सेम होगा ये अब देखिए यहाँ क्या है ए सी सी है तो ए ला आगे होना चाहिए ए है आगे सी सी यहाँ लिखा दीजिए ये देखिए ये भी पैटर्न बन गया यहाँ ए है यहाँ सी सी लगा दीजिए कितना पैटर्न बन रहा है एक पैटर्न ये बन रहा है बी बी ए एक ए सी सी बन रहा है अब देखिए यहाँ पर लास्ट में ए है लास्ट में ए वाला कौन है बी बी इसके बाद ए है तो यहाँ बी और बी लिख दीजिए अब जो जो लिखे हैं अपने हाथ से उसको लिख दीजिए अब क्या लिखे हैं सी लिखे हैं यहाँ वाला फिर यहाँ वाला सी लिखे हैं फिर ए लिखे हैं फिर यहाँ सी यहाँ सी फिर यहाँ पर बी और यहाँ पर बी लिखे हैं कहीं पर है देखिए सी सी कहीं पे है सी सी देखिए यहीं पर है फिर ए सी है सी बी बी देखिए यहाँ वाला सर ऐसे ही तोड़ लिया करिए इस क्वेश्चन में ऐसे तोड़ लिया करिए इसके बाद देखिए कौन सा पैटर्न है उसको चुरा लीजिए वैसे ही नकल मतलब यहाँ पर नकल करना है ठीक है अगर नकल किए होंगे बचपन में तो वही यहाँ पर करना है ये वाला क्वेश्चन बताइए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन आप मतलब सिंपल क्वेश्चन है तो देखिए इसमें इस टाइप के सवाल में कैसे करेंगे यहाँ से जोड़िए घटाइए भाग करिए ऐसे क्वेश्चन होता है तो इक्कीस पे भागे तीन करेंगे कितना हो जाएगा सात हो जाएगा अब सात को गुड़े ग्यारह कर देंगे तो सतहत्तर हो जाएगा फिर यहाँ पर छत्तीस भागे चार करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ हो या बारह नौ एक सौ आठ हो जाएगा फिर यहाँ से आप देखिए यहाँ नहीं पता है आपको क्या होगा तो यहाँ पर पहले क्या रखेंगे आपको चौबीस गुड़े दो तो कितना बारह गुड़े चौदह ये ज़्यादा हो जा रहा है चौबीस भागे चार छः तो चौदह छः चौराह नहीं हो रहा है चौबीस भागे तीन करिए तो कितना हो जाएगा चौबीस आठ हो जाएगा चौदह अट्ठे एक सौ बारह हो जाएगा देखिए तीन लिख दिए हो गया न आपको ऐसे ही करना है कुछ नहीं था इसमें ठीक है चलते हैं देखते हैं अब देखिए यहाँ वाला पैटर्न क्या कह रहा है ये भी मतलब अच्छा पैटर्न है तो ये वाला पैटर्न आपको करना क्या है तो इस वाले पैटर्न में भी कुछ नहीं करना है दो को क्या करना है दो से चार कब हुआ तो ये दो से चार कब हुआ दो जोड़ेंगे तो दो जोड़ दीजिए अब यहाँ पर कितना हुआ अब यहाँ भी नहीं पता ये वाला देख लीजिए चार से ग्यारह कब हुआ तो जब चार वो मतलब ग्यारह से सोलह कब हुआ तो ग्यारह से सोलह कितना पाँच हो तो गया अब यहाँ मतलब कि दो से मतलब चार से यहाँ क्या लिखा जाएगा ठीक है चार बटे सात हो गया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा तो यहाँ वाला पूरा देखिए फिर नीचे वाला देख लीजिए तीन से कितना हो जाएगा सात हो जाएगा तो तीन कितना हुआ प्लस चार कर दिए यहाँ पर यहाँ पर कितना चौबीस इक्कीस से इकतीस हुआ है तो यहाँ पर कितना दस हो गया है अब यहाँ पर कुछ रखिए देखिए <laughs> क्या रखेंगे फिर यहाँ हो गया फिर यहाँ पर अगर आप क्या रख सकते हैं सात के बाद आठ या तेरह मतलब आठ तो आएगा नहीं क्योंकि सात के बाद देखिए तीन के बाद सात जंप किया है तो इतना ज़्यादा जंप इक्कीस के बाद इकतीस जंप किया है तो आठ ही कैसे होगा ये भी नहीं होगा इसमें इसमें तो एक बार यही देखते हैं सात बटे तेरह सात बटे तेरह करिए तो ये क्या होगा तेरह कितना जा रहा है छः तो प्लस छः यहाँ लगा लगा दीजिए फिर छः में प्लस इक्कीस हो जाएगा तो इक्कीस में कितना आठ हो जाएगा तो चार छः आठ दस हो नहीं गया चार छः आठ दस तो यही आपका हो गया ऐसे यहाँ भी देखिए चार हो गया फिर ये तीन हो गया प्लस तीन जोड़ेंगे तो दो फिर दो दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा फिर तीन जोड़ेंगे सात हो जाएगा फिर तीन जोड़ेंगे ये फिर आपका दो तीन फिर चार सात चार ग्यारह होता प्लस चार जोड़ेंगे फिर ग्यारह हो जाएगा फिर पाँच जोड़ेंगे सोलह हो जाएगा ये भी बन जा रहा है तो ऐसे ही बन जाएगा ठीक है चलते हैं देखते हैं मतलब कुछ जोड़े घटाएंगे तो कुछ न कुछ आपका बन, बनना ही है ठीक है तो चलते हैं अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं ये भी का अच्छा क्वेश्चन है राजन सचिन का भाई है तो ऐसे लिख लिख दीजिए एक यहाँ पर राजन है यहाँ राजन है यहाँ सचिन है तो राजन सचिन का भाई है तो राजन भाई है सचिन का सचिन का कोई पता नहीं लड़की है लड़का है सचिन नाम से मत याद रखिएगा कि ये लड़का है नहीं वैसा नहीं मानक राजन का पिता है तो यहाँ मानक लिख दीजिए मानक किसका पिता है तो पिता ही पॉजिटिव होंगे तो मानक क्या हो गए पिता हैं मतलब तो ये प्लस में जाएंगे अब देखिए जगत प्रिया का भाई है अभी हमको प्रिया जगत के बारे में कुछ पता नहीं है प्रिया सचिन की पुत्री है तो सचिन की कौन पुत्री है प्रिया तो यहाँ प्रिया लिख दीजिए ये पुत्री हो गई अब यह प्रिया देखिए जगत प्रिया का भाई है तो प्रिया का भाई कौन हो गया जगत हो गया ठीक है तो जगत कैसे लिखा जाएगा जगत ऐसे लिख दीजिए जे लिख दीजिए ठीक है जगत प्रिया का भाई है तो ये भाई के लिए प्लस कर दीजिए ये भी भाई थे ये भी भाई बहन है ये पिता हैं कह रहे हैं जगत का चाचा कौन है इसके चाचा कौन है जगत के तो जगत ये जैसे ये पापा हैं ये आपकी सिस्टर हैं ये आप हैं है, तो ये आपके चाचा हुई हुए हैं ना तो ये अगर आप इनके भाई जब हुए हैं यार तो राजन कौन हुए चाचा ती हुई है आपके तो जगत का चाचा कौन है राजन ही है तो ये जो भाई हैं वही तो चाचा कहलाएंगे तो राजन कहलाएंगे चलते नेट देखते हैं लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए अब यहाँ देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपका रीजनिंग में ठीक है और 2022 और 23 का रीजनिंग मतलब लगभग आपका खत्म ही हो गया का दो क्वेश्चन भले छूटेगा लेकिन और लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर आपका तो बताइए ये कैसे पैटर्न ये पैटर्न बार बार आ जाता है ठीक है तो ये डायगोनली आपको सही करना हुआ ठीक है डायगोनली मतलब इसको इससे सही करिए ठीक है इसको इससे सही करिए और ये इसको इससे सही करिए छब्बीस को अस्सी से छः को जो ये है यहाँ से सही करिए तो चार को चौदह कैसे बनाएंगे चार को चौदह बनाने के लिए क्या करेंगे चार गुड़े तीन बारह हो गया इसके आस पास पहुँच गए अब फिर दो जोड़ दीजिए ये चौदह हो गया अब देखिए छब ये नौ को उनतीस कैसे बनाएंगे नौ गूढ़े तीन सत्ताईस हो गया प्लस दो बराबर उनतीस हो गया छब्बीस को अस्सी कैसे बनाएंगे तो छब्बीस ये गुड़े तीन प्लस दो छब्बीस गुड़े तीन प्लस दो तो क्षेत्र अठहत्तर प्लस दो अस्सी हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ आप छः को यहाँ तो छः गुड़े तीन छत्तीस प्लस दो छत्तीस दो अड़तीस हो जाएगा वो क्षेत्र कट सॉरी क्षेत्र तो कट अठारह प्लस दो बीस हो जाएगा यहाँ बीस है ये देखिए बीस है तो डाइगोनली सबको सही करना था मिसिंग नंबर थे देखिए यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम लिखा जाता है ठीक है तो प्रदर्शित किया संस को कूट भाषा में टूट लिखा प्रदर्शित किया जाता है तो कोड को कूट भाषा में क्या लिखा जा जाएगा तो इसको मैं मतलब आपको थोड़ा सा मेथड बता दे रहा हूँ इसके बाद तो मतलब कर लीजिएगा क्या करना है इसमें तो क्या लिखिए गोल्ड को होम लिखा गया है तो कैसे गोल्ड को होम लिखा गया है तो देखिए जी को जी के बाद एच होता है इसके बाद ओ को वैसे ही रखिएगा ओ को मत चेंज करिएगा यल के बाद यम होता है डी के बाद ई होता है एक आपको नहीं चेंज करना है फिर किस कोड को कैसे पढ़ सी ओ आर डी सी का क्या होता है सी के बाद डी होता है डी एक ही में है देखिए डी तो एक ही में आ गया बी आपका और कहीं है ही नहीं है ओ को मत चेंज करिए आर को यश डी को ई डोज हो गया ठीक है ही क्वेश्चन था अब ये वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा इसमें आपका सही होगा अब देखिए कैसे सही होगा बी के बी का कौन सा हो जाएगा तो बी का आपका डी कैसे हुआ प्लस दो जोड़ दिए फिर डी के बाद जी चार होता है ये सात कैसे हुआ तीन जोड़ दिए तो दो तीन जोड़ दिए जी कितना होता सात होता है सात के बाद तीन जोड़ ये मतलब जी सात ये जी जी के में आप क्या करिए तीन जोड़िए ठीक है तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है ये तो यहाँ पर तीन जोड़िए तो कितना हो गया सात में तीन दस हो जाएगा जे का दस होता है फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे चार जोड़ेंगे सॉरी यहाँ पर चार जोड़ेंगे तो दस चार चौदह चौदह पे यन आ जाएगा फिर जैसे अब वहाँ पर देखिए तीन जोड़े थे फिर यहाँ पर चार से जो तो मतलब ये तीन से फिर शुरू किए अब यहाँ पर चार लास्ट में जोड़े हैं तो तभी तो चौदह आया है फिर यहाँ चार ही जोड़िए ठीक है जहाँ से हटाए हैं वहीं से फिर चलिए चार आया है तो चार में कितना चार में जोड़ेंगे चौदह में चार जोड़ेंगे अट्ठारह आ जाएगा फिर अट्ठारह में पाँच जोड़ेंगे तो तेईस आ जाएगा तो तेईस किसके लिए होता है डब्लू के लिए होता है बस यही करना था आपको मतलब दो तीन फिर जहाँ तीन शुरू किए इंड किए हैं फिर तीन यहीं पर करना है तो सात में तीन जोड़ेंगे दस आएगा फिर दस में चार जोड़ेंगे तो प... एन आएगा फिर चार यहाँ पर इंड किए हैं तो चार यहाँ भी स्टार्ट करिए ठीक ऐसे ही जोड़ना है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला सवाल था ये होटल को बारह लिखा जाता है ठीक है और फिल्म को क्या लिखा जाएगा होटल को जब बारह लिखा जाता है तो फिल्म को क्या लिखा जाएगा सिंपल क्वेश्चन है पूरा जोड़ दीजिए अब इसके बाद पाँच से भाग कर दीजिए बारह आ जाएगा ठीक है जैसे ओ एच का आठ होता है इसका ओ का पंद्रह होता है टी का बीस होता है इसका ई का पाँच होता है यल का बारह होता है जोड़ेंगे साठ आ जाएगा इसको पाँच से भाग कर दीजिए बारह आ जाएगा फिल्म का पूरा लिख के पाँच से भाग करके लिख दीजिएगा आ जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर दसवा हो जाएगा ठीक है चलते हैं निर्दय ये वाला क्वेश्चन देखते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हर बार एक आ जाता है आपका कि त्रिभुजों की संख्या कितना है या चतुर्भुज की संख्या कितना है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं कैसे जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले आप जितने भी सिंगल आपके ट्रायंगल दिए गए हैं उन पर नंबरिंग कर दीजिए तो कैसे करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब आप तो आपको पता चल गया कितने त्रिभुज हैं सिंगल वाले तो सिंगल वाले जो एक अंक से बने हैं मतलब एक ही अंक में इसमें हो रहा है तो एक अंक वाले ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में एक अंक वाले तो एक अंक वाले कितने हो गए बारह हो गए ठीक है बारह त्रिभुज अब दो अंक वाले देखेंगे कितने त्रिभुज हैं दो अंक का मेरा मतलब कहने का मतलब है ये आपको ऐसे देखना है ठीक है दो अंक वाले त्रिभुज मतलब जैसे एक और बारह ऐसे एक और बारह ऐसे देखेंगे ये आपका जैसे ये दो अंक के त्रिभुज से ही बना है ना ये देखिए दो अंक के ही त्रिभुज से ही बना है तो एक और बारह से बन गया है तो इसमें पूरे किसमें कितने बनेंगे इसमें पूरे आप देख लीजिएगा इसमें पूरे देखिए एक ये हो गया बनाए देते हैं ये दो हो गया ये इधर वाला ठीक है ये दो हो गया और इधर वाला कितना हो गया तीन हो गया ये और ये जो ये वाला बन रहा है ये चार हो गया ये दो इधर वाला बन रहा है ये पाँच हो गया ये छः हो गया ये ठीक है ये छ हो गया और कौन सा बन रहा है आपका यहाँ पर एक चीज़ अब नहीं बनाए होंगे अब ये वाला देखिए छः तो यहाँ हो गया और एक ये वाला बन रहा है ठीक हम तो ये वाला लिए थे ना इधर वाला लिए थे और इधर वाला लिए थे लेकिन ये वाला भी नौ आठ भी बन रहा होगा एक ये, ये और चार और पाँच भी बन रहा होगा तो यहाँ मिला के अगर यहाँ इतने में देखा जाए कितने में ये इधर इधर बताए इतने में ही सब देखा जाए तो चार बन रहे हैं एक मतलब इधर से वाले में एक दो इधर वाले में तो यहाँ पर भी दो बन रहे हैं तो दो वाले में कितने बन रहे हैं आठ बन रहे हैं तो एक वाले में एक बारह बन रहे थे दो वाले में आठ बन रहे हैं अब चार अंक वाले देखते हैं कितने बन रहे हैं चार अंक वाले मिटाते हम फिर देखते हैं चार अंक वाले कितने बन रहे हैं चार अंक वाले कौन से कैसे करेंगे पहले एक बार फिर लिख देता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चार अंक वाले जैसे एक हो गया बारह हो गया ग्यारह हो गया और आपका दस हो गया तो ये आपका ऐसे नहीं बन रहा ये वाला देखिए चार अंक वाला ठीक है ये आपका बन गया फिर एक बार ये वाला बन गया तो ऐसे फिर इधर वाला भी बनेगा ना ये इधर वाला भी तो यहाँ पर पूरे जब इसमें इस कितना बन गया यहाँ पर चार बन गया और फिर एक यहाँ आपका बनी रहा है ठीक है तो ये पाँच हो गया ठीक है तो एक इधर हो गया चार एक पाँच तो कितना हो गया तेईस हो गया आठ पारह नहीं आठ बीस और पाँच पच्चीस हो गया ये कितना हो गया बारह आठ बीस पाँच पच्चीस हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया अब देखिए छब्बीस ये है एक कौन सा बन रहा है एक आता मतलब आठ जो बनेगा ठीक है तो आठ का कौन सा बन रहा है उसको भी दिखा देते हैं आठ का कौन सा बनेगा मतलब जब आठ अंक लिया जाएगा एक साथ जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आठ अंक का मतलब क्या लिया जाएगा ये वाला ले रहा हूँ ठीक है ये बड़ा वाला ले रहा हूँ ये देखिए इधर वाला ठीक है ये जो बड़ा वाला ले रहा हूँ ये आठ अंक का है ठीक है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक आठ अंक है तो एक इसमें और जोड़ दीजिए छब्बीस अब का बन गया ठीक है थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन जो इस प्रकार से काउंट करने का था ये आपका गलत नहीं होता सिर्फ यहीं पर आप ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर दो इस साइड से बन रहा है दो इस साइड से फिर दो इस साइड से फिर दो इस साइड से ये यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा नहीं चौबीस आंसर आ जाएगा ठीक है आर छब्बीस ही लगाइएगा अब देखिए ये थोड़ा विवादित प्रश्न था ये क्या है सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं तो आल साइंटिस्ट क्या हैं स्नातक मतलब कह रहे हैं जो सभी वैज्ञानिक हैं वो आपके स्नातक हैं तो डायग्राम का सभी वैज्ञानिक तो सभी क्या होंगे देखिए सभी घर क्या होते हैं वो गांव हो गाँव में होते हैं तो सभी वैज्ञानिक यहाँ लिख दीजिए ठीक है और वो सभी घर कहाँ गांव में होते हैं तो ये गांव ऊपर बना दीजिए तो सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं तो यहाँ स्नातक लिख दीजिए ठीक है अब कह रहे हैं कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है तो यहाँ ये ये बनाइए और यहाँ सुपरवाइज़र लिख दीजिए तो वो स्नातक ये वाला आपका यहाँ कभी नहीं जाएगा ठीक है ना सुपरवाइज़र कभी स्नातक होगा ना स्नातक कभी सुपरवाइज़र अब देखिए यहाँ क्या कोई सुपरवाइज़र वैज्ञानिक नहीं है तो कोई सुपरवाइज़र यहाँ देखिए जो सुपरवाइज़र है जब स्नातक के पास जब जैसे आप अपने जब गाँव में ही नहीं जा पाएंगे तो घर में कैसे जाएंगे जब आप कोई दिल्ली ही नहीं आ पाएंगे तो मुखर्जी नगर कैसे आएंगे ठीक है तो वही तो आपका कर रहा है जब तक आप स्नातक नहीं होंगे तब तक वैज्ञानिक कैसे बन जाएंगे तो ये तो आपको गलत ही है अब देखिए नो ग्रेजुएस आर सुपरवाइज़र ठीक है तो जो करें कोई स्नातक सुप, सुपरवाइज़र नहीं है तो इसमें भी कोई स्नातक सुपरवाइज़र नहीं, नहीं है तो ये क्या है मतलब ये आपका सही है ठीक है ये वाला आपका सही है ये भी आपका सही है सभी वैज्ञानिक तो गलत ही है आपका तो यहाँ पर ए और बी दोनों होना चाहिए ए एंड बी ठीक है इसीलिए थोड़ा विवादित है ये ठीक है इसमें ए और बी होना चाहिए दोनों अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए ई बराबर पाँच अमेंडमेंट बराबर नवासी ई बराबर पाँच अमेंडमेंट बराबर नवासी तो ये इसका बताइए सिगरेटी तो ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ठीक है इसको खुद से करिएगा जितना आंसर आएगा उतना कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कुछ सिंपल ही एकदम खुद एक बार दिमाग लगाइएगा नहीं तो हम फिर दूसरा वीडियो आएगा उसमें बता ही देंगे ठीक है तो बस आज के लिए बस इतना ही था कुछ क्वेश्चन अगर छोटे होंगे तो उसको मैं दोबारा करवा दूंगा देख लूँगा कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं लगभग सभी क्वेश्चन हो गए हैं 2022 और 23 के जितने भी रीजनिंग के आए हैं कुछ ही क्वेश्चन छूटे हैं तो वो भी हम करवा देंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर, कर दीजिएगा हाँ बताइएगा अगर पीस पी सी वैसे हो गया है बाई चांस मतलब अब क्या उसमें बोला जाए जा। अभी नोटिस ही नहीं आ रही तो क्या आगे बात किया जाए ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही नमस्कार जय हिंद जय भारत